कई बार हमें ध्यान करने की इच्छा तो काफ़ी रहती है अंदर से कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए। ध्यान सीखने के लिए हम YouTube पे जाते हैं, किसी आश्रम में जाते हैं, किसी शिक्षक से मिलते हैं ताकि हमें ध्यान सिखा सके। घर आने के बाद कुछ दिन तक प्रयास करते हैं, उसके बाद ध्यान करना छोड़ देते हैं। हम ध्यान क्यों नहीं कर पाते, उसके क्या कारण है? तो आज हम 5 कारणों को समझेंगे जिसके वजह से हम ध्यान नहीं कर पाते। ध्यान की शुरुआत भी किया तो उसे हम लोग बहुत जल्दी बंद कर देते हैं। पहला कारण होता है, यदि हमारे भाग्य में कोई संघर्ष लिखा हो, पैसे का संघर्ष, संबंध का संघर्ष, स्वास्थ्य का संघर्ष, कोई आने वाली कोई विपत्तियाँ लिखी हो, कोई तकलीफें लिखी हों, तो हम लोग ध्यान नहीं करते हैं, क्योंकि उस कर्म को भुगतना ही पड़ता है हमें। यदि हमने ध्यान किया तो उससे हम बच सकते हैं, पर अगर ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो वो रुकावटें हमें ध्यान करने नहीं दे रहा है। दूसरा कारण होता है किसी व्यक्ति का कर्ज। जाने अनजाने में आपने अतीत में किसी को दुख दिया है, किसी को तकलीफ दिया है, या अभी भी वर्तमान में भी आप किसी को दे रहे हैं, शब्द से, स्वभाव से, व्यवहार से, अपने कर्मों से, उस व्यक्ति का कर्ज आपको ध्यान नहीं करने देगा। आपने ध्यान शुरू भी किया तो आप बंद कर देंगे। तीसरा कारण होता है, ध्यान करने के लिए लोगों का आशीर्वाद लगता है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद लगता है, ये हमने सुना है, पर हमें उनका भी आशीर्वाद चाहिए जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। अगर आप कोई चैरिटी नहीं करते, कोई सामाजिक कार्य नहीं करते, आप अपने इनकम का 10% यदि आप सामाजिक कार्य में नहीं लगाते हैं, तो आप कितना भी अच्छा ध्यान कहीं से भी सीख लीजिए, आपको ध्यान का कोई भी फल नहीं मिलता है। नहीं आप ध्यान घर में कंसिस्टेंटली कर पाएंगे, नहीं उसे आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, नहीं उसका कोई आपको फल प्राप्त होगा। आपको लगेगा मुझे मन की शांति मिल रही है, वास्तव में जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब तक आप अपने इनकम का, अपने सोर्स का 10% दान नहीं करते, तब तक ध्यान आप नहीं कर सकते। चौथा कारण होता है कि आपके पास जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, देयर इज़ नो पर्पस इन योर लाइफ। आपके पास केवल गोल है, मुझे मकान खरीदना है, मुझे वाहन खरीदना है, वो आपके जीवन का लक्ष्य हुआ, पर जीवन का पर्पस क्या, उद्देश्य क्या है, वही हमें नहीं पता। जब हमें अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता तो हम ध्यान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ध्यान में जो ऊर्जा संग्रहित होती है, जो ऊर्जा हमारे जीवन में, शरीर में आती है, उस ऊर्जा को क्या कार्य करना चाहिए वो हम उसे बता नहीं पाते। यदि हम ध्यान नहीं भी करते हैं तो भी मकान बना सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, शिक्षण ले सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, आपके सारे जीवन कार्य चल ही रहे बिना ध्यान के, पर जीवन का लक्ष्य आप समझ नहीं पाएंगे। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं उसे कैसे पूरा कर सकूं, ये केवल ध्यान से ही पता चलता है। तो अगर जीवन में लक्ष्य ही नहीं है तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। अंतिम 5वां कारण होता है कि ध्यान जब हम लोग करने पर बैठते हैं तो कई विचार आते हैं मन में, नकारात्मक विचार, सकारात्मक विचार, अतीत से संबंधित, वर्तमान से संबंधित, भविष्य से संबंधित, और हम शांति से बैठ नहीं पाते हैं। एक दिन प्रयास किया, 2 दिन प्रयास किया, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो क्या ऐसा कोई ध्यान है जिसकी वजह से हम विचार शून्य होकर ध्यान में बैठ सकें, शांत होकर ध्यान में बैठ सकें? न कोई मंत्र, न कोई जप, न कोई माला, न कोई अफर्मेशन। तो क्या हम थॉटलेस मेडिटेशन कर सकते हैं? क्या हम लोग विचार शून्य ध्यान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लम क्रिया ध्यान, जो इस सेंटर से, लामा फेर इंटरनेशनल से बनाया गया है, लम क्रिया ध्यान एक थॉटलेस मेडिटेशन प्रोसेस है। उससे न केवल आप मानसिक शांति, न केवल एक आपको जीवन की चेतना मिलती है, बल्कि आपको अपने जीवन का लक्ष्य, आपके जीवन का उद्देश्य आपसे स्पष्ट होता है। आप अपने आर्थिक स्थिति में आपकी उत्पन्न बढ़ता है, आपके संबंध अच्छे होते हैं, आप दवा मुक्त जीवन जी सकते हैं, आपका आध्यात्मिक प्रगति होना शुरू हो जाता है। जब भी आप ध्यान में बैठेंगे एक भी विचार नहीं आ सकता। आप प्रयास भी करेंगे विचार लाने तो भी आप विचार नहीं ला सकते। यही है लम क्रिया ध्यान। लम क्रिया ध्यान कब करनी चाहिए, कितने समय करना चाहिए, किस आयु के लोग इसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती है लामा फेरा इंटरनेशनल सेंटर पर।